So the कांग्रेस August पार्टी 2024 कैसे क्षमा report मांगेगी? released by the वह Director कांग्रेस General of पार्टी जिसके Civil डीएनए Aviation में है कि provides हमने very interesting अभिव्यक्ति की insights आजादी and नहीं देनी, sheds हमने light पत्रकारों on the को state आजादी of नहीं the देनी। civil aviation industry डलस in में India. सैंपलोजा के घर के अंदर एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि राहुल गांधी जी क्या जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात भी यहाँ उठाएंगे नहीं उठाएंगे। इतने भर में उसकी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, उसका फोन उससे छीन लिया गया, उसके फोन से डेटा डिलीट कर दिया गया। तो दिखता है कि वो जो डीएनए जो इमरजेंसी वाला डीएनए कांग्रेस का फोटो निकलता वो मिसेज इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जहाँ उनके बेटे राजीव गांधी राहुल गांधी के पिता थे जिन्होंने पोस्टल पे लाकर अभिव्यक्ति की आजादी रोकने की कोशिश की, चाहे अब वो राहुल गांधी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में उस पर उस कारण से उसकी पिटाई करवाई जाती है, उस कारण से उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस कारण से उसका मोबाइल फोन का डेटा सारा डिलीट हो गया है। दिखता है कि ये जो डीएनए है अभिव्यक्ति की आजादी के विरोध का और सनातन के विरोध का बार बार फूट कर निकलता है, वो इमरजेंसी हो और राजीव गांधी का समय हो और चाहे अब वो राहुल गांधी का समय, उनका कृत्य दिखता है, जो उनका जो कर जो किया वो दिख रहा है। अब वह देश की धरती पर भी किसी पत्रकार को प्रश्न पूछने से रोक रहे हैं, यहाँ तो बायकॉट बहिष्कार तो करते ही करते हैं, यहाँ पत्रकारों की जाति पूछते पूछते हैं राहुल गांधी और उन पर कसीदे कसते ही कसते हैं, परंतु देश की धरती पे भी जाकर वैसे ही बिहेव करते हैं और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना, क्योंकि उसने सब इतना बार पूछ लिया कि क्या बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है आप उसकी बात उठाएंगे नहीं उठाएंगे। दिखता है कि कैसी सोच है, मूलतः जो डीएनए वह फूट फूट निकलता है वह इमरजेंसी हो, इमरजेंसी वाला डीएनए हो चाहे वो सनातन का विरोध करने वाला डीएनए। कांग्रेस पार्टी कैसे क्षमा मांगेगी? वह कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में है कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आजादी नहीं देनी। डलस में सैंपलोजा के घर के अंदर एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि राहुल गांधी जी क्या जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात भी यहाँ उठाएंगे नहीं उठाएंगे। इतने भर में उसकी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, उसका फोन उससे छीन लिया गया, उसके फोन में से डेटा डिलीट कर दिया गया। तो दिखता है कि वो जो डीएनए जो इमरजेंसी वाला डीएनए है कांग्रेस का फोटो निकलता है वो मिसेज इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जहाँ उनके बेटे राजीव गांधी राहुल गांधी के पिता थे जिन्होंने पोस्टल पे लाकर अभिव्यक्ति की आजादी रोकने की कोशिश करी, चाहे अब वो राहुल गांधी हो। ये सब के सब एक प्रकार के लोग हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।